मेघवाल साहब, समाजवाद से यहाँ तक आपका जो अनुभव आपने बताया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने आज डिबेट की गरिमा को बढ़ाया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारायण सिंह देवल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान वित्त विधेयक 2021 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पारित करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें आशंका है कि जो बजट आज पास भी होगा इसमें जो घोषणाएं हुई है वो घोषणा धरातल पर कितनी उतरेगी, क्योंकि पिछले दो साल के बजट के ऊपर हम नज़र डाले तो कितना काम हुआ ये हमारे सामने सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्यगण बैठे हैं वो भी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में कहा है कि 2020-21 में 23,750 करोड़ का राजस्व घाटा है और राजकीय घाटा 47,652 करोड़ होने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का 4.11% रहने की संभावना है। 2020-21 में 2019-20 की तुलना में राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में प्रचलित मूल्यों पर 4.11% और स्थिर मूल्यों पर 6.61% की कमी होने का अनुमान है, जबकि 2019-20 के प्रचलित मूल्यों पर 8.38% व स्थिर मूल्यों पर 5.03% की वृद्धि हुई है। माननीय सभापति महोदय, 2021-22 के कुल ऋण और अन्य दायित्व सकल घरेलू उत्पादन का 33.13% रहना अनुमानित है। इससे स्पष्ट है कि राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा जो कर्ज का है, आज 2021-22 में राजस्थान के ऊपर 4,57,129 करोड़ का कर्ज होने का अनुमान है। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है और राजस्थान की जनता पर, राजस्थान की सरकार पर हर साल 28,360 करोड़ रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। इसमें सरकार किसी भी स्तर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। 19-20 का हम आंकड़ा देखें, प्रति व्यक्ति की आय थी 1,15,492, जो 20-21 में घटकर 1,09,386 रुपये हो गई, 5.29% की कमी आई है। ये तथ्य और आंकड़े राजस्थान की वित्तीय प्रबंधन की दशा और दिशा को दर्शाता है, जो कि राज्य की वित्तीय दृष्टि को खोखला कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि राज्य की अपनी कोई विनिवेश नीति नहीं है। कैग 2019 के प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि राजस्थान के 43 सार्वजनिक उपक्रमों में 1,27,000 करोड़ रुपए का विनिवेश होगा, लेकिन टर्नओवर 59,516 करोड़ का रहा है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 8.27% है। राजस्थान के ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारी ये कंपनियां काम कर रही है इनकी वित्तीय हालत क्या है पूरा सदन जानता है, और 15 जो हमारी विद्युत कंपनी है आज उनके ऊपर संचयी घाटा 98,929 करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल पूंजीगत विनिवेश 41,886 करोड़ के दुगने से अधिक है। साफ है कि संपूर्ण पूंजी निवेश से ये संचयी घाटे की पूर्ति की जा रही है। कुल मिलाकर प्रदेश घोर संकट की ओर बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में इन बजट घोषणाओं का पूरा होना संभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन मुझे लगता है। पिछले दो बजटों की क्रियान्वित अभी हो नहीं पाई और तीसरे बजट आज जो हम पास करने जा रहे हैं ये कितना क्रियान्वित होगा ये भविष्य के गर्ति बताएगा। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी हमेशा केंद्र सरकार को कोसते हैं
और कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको जीएसटी का रिफंड नहीं दे रही है, केंद्र सरकार हमको सहायता नहीं दे रही है वगैरह वगैरह हमेशा सुन रहे हैं। लेकिन सरकार के पास जो उपलब्ध है उस पर सभापति महोदय कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 2019 के बजट के पैरा 203 नंबर में बजट में एमनेस्टी स्कीम लाकर व्यापारियों को ब्याज शांति विलंब शुल्क में राहत देकर प्रकरणों का निस्तारण करने की घोषणा की थी। दो साल बाद आपने इस बजट में फिर इसी घोषणा को दोहराया है। प्रदेश के अंदर वेट एंटी टैक्स के करीब 10,000 करोड़ रुपए के पुराने मामले न्यायालय के अंदर पेंडिंग है। कारोबारी अपनी एमनेस्टी स्कीम का लंबे समय से इंतजार कर रहा है। स्कीम लागू करने में दो साल क्यों लगे? सरकार को इतने राजस्व का अनुमान कितने राजस्व का नुकसान हुआ? क्या अधिकारी आपसे भी बड़े हो गए जो बजट घोषणाओं को दो दो साल तक लागू नहीं करते, या फिर सरकार के पास जरूरत से ज़्यादा पैसा पड़ा है जो ये 10,000 करोड़ रुपए नहीं चाहिए? अगर एमनेस्टी स्कीम पहले से ही आ जाती तो सरकार को रेवेन्यू तो मिलता ही मिलता और व्यापारियों को भी इससे ज़्यादा फायदा होता। लेकिन आपको केंद्र सरकार को कोसने से फुर्सत नहीं मिलती। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद में भारत सरकार के वित्त मंत्री जी ने 5 जुलाई 2019 को अपने बजट भाषण में सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी के जितने भी डिस्प्यूट मामले थे उनको निपटाने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की और उसका नाम रखा सबका विश्वास स्कीम 2019। काम कैसे होता है राज्य सरकार को केंद्र सरकार से सीखना चाहिए। ये सबका विश्वास स्कीम 5 जुलाई 2019 को घोषणा हुई और 1 सितंबर 2019 को ये लागू हो गई और 31 दिसंबर 2000 तक के लिए ये स्कीम का समय रखा और कुल मिलाकर 3.50 लाख करोड़ की देनदारी के प्रकरण थे। 1,84,000 मतदाता थे और 1,61,214 करदाताओं को योजना का लाभ मिलके 79,968 करोड़ रुपए का बकाया की घोषणा हुई और केंद्र सरकार को ये पैसा मिल गया। केंद्र सरकार ने करदाताओं को लाभ देने के लिए अभी 5 जनवरी 2020 को और बढ़ाया और काफ़ी लोगों को इसका फायदा हुआ और इसी तरह से इनकम टैक्स के विवादों को निपटारा करने के लिए 1 फरवरी 2020 को बजट में विवाद से विश्वास स्कीम की केंद्र सरकार ने घोषणा की। 4 मार्च 2020 को लोकसभा में बिल पेश कर दिया और 9.32 लाख करोड़ रुपए के 8.83 लाख मामले हैं और अब तक 1.2 लाख करदाता इसका लाभ लेकर केंद्र सरकार को 95,000 करोड़ रुपए का राजस्व का प्राप्त हुआ। और अब की बार 2021 के बजट में केंद्र सरकार ने फिर एक स्कीम घोषणा की और हमारे यहाँ ये योजना अभी तक लागू बन नहीं पाई। अधिकारियों के उदासीनता और लापरवाही का नतीजा है कि केंद्र ने जो हमको ग्रांट और एड मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसका कारण ये है कि अधिकारी जितनी भी सरकारी योजनाओं के काम है और जितने भी टारगेट दिए जाते हैं उनकी यूसीसीसी समय पर सबमिट नहीं करते हैं और उस कारण से केंद्र सरकार से ये पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन आप अधिकारियों की लापरवाही का ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाह रहे हो, ये राजस्थान की जनता जानती है। मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने आपको काम करने के लिए कोई रोका है या आप क्यों समय पर काम पूरा नहीं कर पाते? मैं सभापति महोदय आपको बता दूं कि आपने 2013 में जो बजट पेश किया उसमें बिजली पानी सड़क शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बम्पर घोषणाएं हुई और 2013 में
चुनाव से पहले कांग्रेस को पता था कि हमारी सरकार आएगी, गांवों के अंदर इन्होंने कैंप लगाए, वृद्धावस्था हो, विकलांग हो या विधवा पेंशन हो, पहले उसमें एक पात्रता थी कि किसी, ये तो सभापति महोदय श्री अविनाश, अरे मुझे बोलना है सर, दो मिनट, इसमें समय समय की सीमा है। इसमें ये पात्रता थी कि जैसे ही विधवा का बेटा 18 साल का हो जाएगा तो पेंशन से उसका नाम हट जाएगा, और इन कैंपों के अंदर पता था कि हमारी सरकार आएगी तो 18 साल का राइडर इन्होंने रखा और सरकारी नौकरी में वो खाली लागू हो गई, और गांवों में आनंद फानंद में कैंप लगाकर फॉर्म भराए, और जो ही पता लगा कि आपकी सरकार किसी कीमत पर आने नहीं आ रही है तो रेवड़ियां बांटनी चालू कर दी, और जनता ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को एक मिनी बस से ज़्यादा सवारी लाइक विधायक भी नहीं भेजे। ये तो भला हो पायलट साहब का जिन्होंने 5 साल मेहनत की और पार्टी को खड़ा किया, और 21 से 100 तक इस सरकार में उनकी मेहनत से पहुंचाया है। राजस्थान की जनता जो आपका घोषणा पत्र है, आपके घोषणा पत्र में आ गई जनता, आ गई जनता। आज राजस्थान की जन बेरोजगार पूछ रहा है कि हमको बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, संविदाकर्मी पूछ रहा है कि हमें कब तक नियमित किया जाएगा, युवा पूछ रहा है कि हमको कब तक नौकरी मिलेगी, किसान पूछ रहा है कि कब तक ऋण माफ होंगे, और बच्चे पूछ रहे हैं कि स्कूल कब तक, जो स्कूलें बंद की थी वो कब चालू होगी, और किसान पूछ रहा है कि बिजली की दरें कब आप कम करोगे, आम आदमी पूछ रहा है कि पेट्रोल और डीजल पर वेट कब कम होगा, व्यापारी आज पूछ रहा है एमनेस्टी स्कीम कब आएगी, कर्मचारी पूछ रहा है कि हमारी वेतन की विसंगति कब दूर होगी, गरीब मजदूर पूछ रहा है कि हमारी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कब होगा, मजदूर और कल्याण का बोर्ड कब होगा। ये सब माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक 2021 को 6 महीने जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।